वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इमोशनल मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अनुग्रहीतन एंटोनी और एक मलयालम मूवी है जो रिसेंटली अमेजोन ने रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही पसंद आई। मतलब वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सिचुएशन, वो सीन सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी तरह ये मूवी जाते जाते एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देके जाती है। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को पूरा देखना जरूर। एक जिंदगी की वैल्यू क्या है आपको पता चलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एंटोनी नाम के एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही एंटोनी की मौत हो जाती है। उसके बाद एंटोनी की लाश को एम्बुलेंस में उसके घर लाया जाता है। जब एंटोनी की लाश को उसके घर लाया जाता है तो यहाँ पर हम एंटोनी की फेस को देख पाते हैं और इसी का नाम है एंटोनी। और जो ब्लू शर्ट वाला बंदा है वो और कोई नहीं, एंटोनी की आत्मा होती है। एंटोनी की लाश को देखकर उसका फादर, उसके दोस्त, सारे लोग आकर एंटोनी के पास रोने लगते हैं और एंटोनी की आत्मा दूर खड़े रहकर इस चीज को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एंटोनी की लाश को कब्रिस्तान में लाकर उसे दफना देते हैं। एंटोनी की आत्मा भी उन्हीं के साथ कब्रिस्तान जाती है और किसी कब्र के ऊपर बैठकर अफसोस करती रहती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और एंटोनी की आत्मा आसमान के ऊपर देखती है और यहाँ पर हम मूवी का टाइटल देख पाते हैं। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब एंटोनी के बारे में बात करें तो एंटोनी बिना जिम्मेदारी के अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहता है और इसी तरह एंटोनी अपने फादर की एक भी नहीं सुनता। एंटोनी का फादर एक स्कूल मास्टर रहकर रिटायर हो चुका होता है और एंटोनी का फादर एंटोनी को लेकर बहुत परेशान रहता है। खैर, एंटोनी के फादर को हेल्प करने के लिए फ्रांसिस और उसकी वाइफ शेलेट रहती है उसी घर में। एंटोनी अपने फादर की देखरेख ना करते हुए हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते रहता है। एक दिन एंटोनी का फादर दो छोटे छोटे पपीज को अपने घर लाता है और वो इन दोनों के नाम रखता है रोनी और रूबी। एंटोनी का फादर इन दो कुत्तों को शेलेट को दिखाते हुए इससे कहने लगता है, अब यही दो कुत्ते मेरा सहारा है, अगर हम इनको प्यार से देखें तो ये भी हमें प्यार से देखेंगे। आजकल बच्चे भी इतना वफादार नहीं होते जितना कुत्ते होते हैं। ऐसा इनडायरेक्टली एंटोनी का फादर एंटोनी को इशारों से बताने लगता है और ऑफकोर्स वहीं पर एंटोनी भी होता है और एंटोनी अपने फादर की बातों को समझ लेता है कि एंटोनी का फादर इसे ही कुत्ता बोल रहा है। खैर, सीन भीड़ से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एंटोनी की आत्मा, मैं एंटोनी की आत्मा नहीं कहूँगा, एंटोनी कहूँगा, आप समझ जाओ, एंटोनी अपने घर आता है और यहाँ पर जानवर आत्माओं को देख सकते हैं। और इसी तरह रोनी एंटोनी की आत्मा को देख सकता है और उसे देखते हुए भौंकने लगता है। रोनी भौंकता हुआ देखकर एंटोनी के घर वाले रोनी के केज के पास आकर उसका गेट ओपन करते हैं खाना खिलाने के लिए, लेकिन रोनी एंटोनी के पास जाकर उसे देखता हुआ उसके सामने बैठा रहता है। और तभी रोनी ये देखता है कि एंटोनी की आत्मा के पैरों पर कोई चप्पल नहीं है। रोनी फौरन घर में जाकर एंटोनी के चप्पल लेकर एंटोनी के सामने रख देता है, लेकिन ऑफकोर्स वो एक आत्मा है, वो कैसे चप्पल पहन सकता है। खैर, सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों बाद रोनी और रूबी ये दोनों थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। एक्चुअली एंटोनी रोनी और रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो हर हमेशा इन दोनों को अपने घर से बाहर भगाते रहता है, लेकिन एंटोनी का फादर रोनी और रूबी को बहुत ही प्यार से देखरेख करते रहता है। पर एक दिन एंटोनी अपने दोस्तों के साथ शराब पी के अपने घर आता है। एंटोनी को देखकर रूबी इस पर भौंकने लगती है। इसको भौंकता हुआ देखकर एंटोनी को बहुत गुस्सा आता है और एंटोनी रातों रात रूबी को ले जाकर किसी जगह पर छोड़ देता है। और जब सुबह होती है तो एंटोनी का फादर और रोनी ये दोनों रूबी के जाने की गम में होते हैं। तभी वहाँ पर एंटोनी आकर इनडायरेक्टली अपने फादर से कहने लगता है, देखो कुत्ते पाले तो ऐसा ही होगा, बिना बताए वो चले जाते हैं, लेकिन बेटा हर हमेशा घर में ही रहता है। इस तरह से कहते हुए मजाक उड़ाने लगता है। फ्रांसिस एंटोनी के फादर से कहने लगता है, अंकल क्या हम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कम्प्लेन करें। एंटोनी के फादर को पक्का यकीन होता है कि ये कांड एंटोनी का ही है। एंटोनी के फादर फ्रांसिस से कहने लगता है, नहीं नहीं, अगर पुलिस आकर उस चोर को पकड़ लिया तो हमारी घर की इज्जत ही जाएगी। खैर, प्रेजेंट डे पर पॉल, जो एंटोनी का फ्रेंड होता है, वो एक डॉक्टर को लेकर एंटोनी के घर आता है। वो डॉक्टर एंटोनी के फादर को चेक करके उसे कुछ टैबलेट्स वगैरह लिख के देता है और उसी तरह एंटोनी के फादर को रेस्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर जाने के बाद फ्रांसिस एंटोनी के फादर के फ्रेंड से कहने लगता है कि इस उम्र में कुत्तों को लेकर बाहर जाने से मना किया था मैंने, लेकिन ये सुनते कहाँ है, अब देखो नीचे गिर के जख्मी हो गए। यह सुनने के बाद एंटोनी के फादर का फ्रेंड फ्रांसिस से कहने लगता है, एक्चुअली वो रोनी की वजह से नीचे नहीं गिरा, दासप्पन नाम का एक गुंडा धक्का देने की वजह से ये नीचे गिरे हैं। पॉल को ये बात मत बताओ, वो झगड़ा करने लगेगा। तो ऑफ कोर्स वहीं पर एंटोनी होता है और इन दोनों की बातें वो सुन रहा होता है।
उसके बाद एंटोनी दासप्पन के पास जाने लगता है। और यहाँ पर मैं आपको यह बात बता दूं कि जहाँ पर भी एंटोनी जाता है रोनी उसी के साथ होता है। इस तरफ दासप्पन किसी के घर से टीवी ला चुका होता है और इन लोगों को मारते पीटते रहता है। और इसी तरह दासप्पन इन लोगों से कहने लगता है, मैं तुम्हारी टीवी वापस नहीं दूंगा जब तक कि तुम लोग मेरा उधार चुका दो। तो बेचारे वो लोग मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एंटोनी दासप्पन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अफकोर्स ये एक आत्मा होता है, ये मार नहीं पाता। वहीं पर एक बंदा एंटोनी को देखकर उसे पूछने लगता है, क्या कर रहे हो तुम? और एंटोनी इस बंदे के पास आकर पूछने लगता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? वो बंदा कहने लगता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, तुम आत्मा हो और मैं भी आत्मा हूँ। और इस बंदे का नाम होता है अंडप्पन। उसके बाद अंडप्पन एंटोनी के बारे में जान के अपने बारे में एंटोनी को बताने लगता है। अंडप्पन दासप्पन के पास कुछ पैसे उधार लिया था, ऑलमोस्ट मैंने उसका उधार चुका दिया, लेकिन थोड़े पैसे अभी बाकी है। लेकिन ये दासप्पन मेरी वाइफ के पास आकर झूठ कहने लगा कि मैंने उसके पैसे नहीं चुकाए। और दासप्पन फिर से उसके पूरे पैसे मांग रहा है। और मेरी वाइफ पैसे ना देने पर दासप्पन मेरे घर से टीवी ले गया। जब मैं जिंदा था मैंने एक लॉटरी टिकट को खरीदा था और वो लॉटरी टिकट मैंने जीत भी लिया। और मैंने उस लॉटरी टिकट को टीवी के रिमोट में छुपा के रखा है। और जब मुझे पता चला कि मैंने उस लॉटरी टिकट को जीत लिया, उसी लॉटरी टिकट को लेने के लिए जब मैं अपने घर जा रहा था, एक कुएं में गिर के मेरी मौत हो गई। हम इंसान मरने के बाद 7 दिन तक आत्मा की शक्ल में हम इस दुनिया में रहते हैं। इस दरमियान में मैं किसी भी तरह करके मेरी वाइफ को बताना होगा कि मैंने लॉटरी टिकट को जीता है और उसी तरह वो लॉटरी टिकट कहाँ पर है। लेकिन मेरे पास सिर्फ अब एक ही दिन बाकी है। इस तरह से बेचारा अंडप्पन अपनी दुख भरी दास्तां एंटोनी को सुनाते रहता है। खैर सिर्फ अंडप्पन का साला पुलिस की मदद से अपनी टीवी को हासिल कर लेता है और उस टीवी को वापस अपनी बहन के घर में लाके रख देता है। और एक्चुअली इन लोगों को पता नहीं होता कि उस टीवी के रिमोट में ही वो लॉटरी टिकट है। बेचारे अंडप्पन की वाइफ ये सोचकर दुखी रहती है कि ये किस तरह से इन कर्जों को चुकाएगी, उसी तरह से अपने बेटी की परवरिश कैसे करेगी। और तभी इसकी बेटी ज्यादा साउंड रखकर कार्टून्स देख रही होती है। अंडप्पन की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और अंडप्पन की वाइफ उस टीवी रिमोट को नीचे फेंक देती है, पटक देती है। अंडप्पन की बेटी उस टीवी रिमोट से उस लॉटरी टिकट को बाहर निकालती है और ये कुछ पेपर समझकर रॉकेट वगैरह बनाने लगती है। और तभी एक बंदा इस बच्ची के हाथ में वो लॉटरी टिकट को देख लेता है और वो बंदा अंडप्पन की फैमिली को ये खुशखबरी देने लगता है कि अंडप्पन ने इस लॉटरी टिकट को जीत लिया। यह सुनने के बाद अंडप्पन की वाइफ बहुत खुश होती है और उसी तरह अंडप्पन भी बहुत खुश होकर एंटोनी के गले लग जाता है। रात होने के बाद अंडप्पन एंटोनी से कहने लगता है, एंटोनी तुम इस दासप्पन के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुमको कोई ख्वाहिशें हैं तो इन 7 दिनों में पूरी कर लो। हम आत्माएं कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा, उसी तरह तुमको भी कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा। और अंडप्पन का वक्त खत्म हो जाने से अंडप्पन एक मेंढक बन जाता है और पानी में कूद के चला जाता है। लॉजिक बिल्कुल भी मत ढूंढिए, ओके। खैर सीन भी से फ्लैशबैक में जाने लगता है और एक्चुअली एंटोनी संजना नाम की एक लड़की से प्यार करता था। संजना की राइस मिल जाकर एंटोनी उससे रोज बात किया करता था। एक दिन संजना कॉलेज जाने के लिए बस का वेट करती रहती है। संजना को देखकर एंटोनी फौरन अपने दोस्त के पास जाकर उसकी गाड़ी लेता है संजना को लिफ्ट देने के लिए। जब तक एंटोनी बाइक लेकर बस स्टैंड के पास जाता, तब तक संजना किसी और बंदे के बाइक में बैठकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एंटोनी संजना का नंबर हासिल करके उसे कॉल करता है। संजना कहने लगती है, कौन हो तुम, मुझे दोबारा कॉल मत करो। ऐसा कहते हुए संजना उस कॉल को काट देती है। एंटोनी दोबारा संजना को कॉल करके ये बताता है कि मैं वो हूँ जिसने तुम्हें अपनी बाइक पर लिफ्ट दिया। संजना कहने लगती है, ओह जेरी तुम हो। इस तरह से एंटोनी ऐसे जेरी की तरह संजना से बात करते रहता है। लेकिन दिन में एंटोनी संजना के राइस मिल जाकर उससे बात करता रहता, उससे प्यार करता रहता। खैर एक दिन एंटोनी ऐसे जेरी की तरह संजना को कॉल करके उससे बात करते रहता है। बातों के दरमियान संजना एंटोनी से कहने लगती है कि मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मेरे सिर्फ एक फ्रेंड हो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एंटोनी पूछने लगता है कि कौन है वो। संजना कहने लगती है कि वो बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन इजहार करने से डर रहा है। यह सुनने के बाद एंटोनी को पक्का यकीन हो जाता है कि संजना इसी के बारे में बात कर रही है और एंटोनी बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन एंटोनी शेव करके टिप टॉप से रेडी होकर संजना के पास जाने लगता है। एंटोनी को देखकर शेलक कहने लगती है, रोज तुम इसी तरह से रेडी होगे तो कितना अच्छा होगा। एंटोनी कहने लगता है कि आज के बाद से मैं इसी तरह से रहूंगा। शेलक कहने लगती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आती हूँ, तब तक तुम अंकुल का ख्याल रखो। एंटोनी पूछने लगता है कि पापा को क्या हुआ। शेलक कहने लगती है कि कल अंकल रोनी के साथ बाहर गए थे ऐसे ही घूमने के लिए।
सो अंकुल पाए फिसलकर नीचे गिर गए। चोट तो नहीं आई लेकिन बैक पेन है। खैर शर्लेट जाने के बाद एंटोनी धीरे धीरे से अपने फादर के कमरे में आता है और अपने फादर की गाड़ी की चाबी लेते हुए धीरे से अपने फादर से कहने लगता है कि पापा मैं आपकी गाड़ी की चाबी ले जा रहा हूँ। लेकिन उस वक्त एंटोनी का फादर सोया नहीं होता। एंटोनी को जाता हुआ देखकर एंटोनी का फादर मुस्कुराने लगता है। मतलब इतने दिनों बाद एंटोनी ने एंटोनी के फादर से एक छोटी सी परमिशन मांगी। जब एंटोनी अपने घर से बाहर आता है तो रोनी इसे देखते रहता है। एंटोनी समझने लगता है कि इसका फादर रोनी की वजह से ही नीचे गिरा है। सो एंटोनी रोनी को एक थैले में बंद करके कहीं पर ले जाने लगता है, कहीं दूर छोड़ने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद अपोजिट साइड से संजना जा रही होती है। एंटोनी संजना को देखते हुए ही ड्राइव करने लगता है और तभी एंटोनी के सामने एक लॉरी आ जाती है। एंटोनी उस लॉरी को ठोक देता है। इस तरह से एंटोनी का एक्सीडेंट होके उस ब्रिज से पानी में नीचे गिर के उसकी मौत हो जाती है। वहाँ के लोग जब एंटोनी को उस पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं तो रोनी दौड़ते हुए अपने घर जाने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर एंटोनी की आत्मा संजना के घर के बाहर होती है संजना का वेट करती हुई। और तभी संजना के साथ साथ एक और लड़का भी संजना के घर आता है। इस लड़के को देखने के बाद संजना का फादर संजना की और उस लड़के की शादी करने की सोचता है। इस तरफ एंटोनी की आत्मा संजना के कमरे में आकर कहने लगता है, संजना मैं तुमसे बहुत सारी बातें बताने के लिए यहाँ पर आया था लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। अब मुझे पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। खैर मैं चलता हूँ। इस तरह कहते हुए एंटोनी वहाँ से जाने लगता है और तभी वो लड़का संजना के पास आकर प्रपोज करने लगता है। संजना उस लड़के को बताने लगती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती लेकिन हर रोज वो मेरे लिए मेरी राइस मिल आता है। तब जाके एंटोनी को ये बात पता चलती है कि संजना इसी से प्यार करती है। यह सुनने के बाद एंटोनी की आत्मा बहुत खुश होने लगती है। खैर पिछले दो दिनों से एंटोनी संजना की राइस मिल नहीं आया। यही बात सोचते हुए संजना परेशान होती है और उसी तरह एंटोनी का फोन भी नहीं लग रहा होता। और तभी उसी वक्त एंटोनी के फोन नंबर से कोई अनजान बंदा संजना को कॉल करके उसे ये कहता है कि कल सुबह 10 बजे बस स्टैंड के पास आना, वहाँ पर मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। यह सुनने के बाद एंटोनी सोचने लगता है कि मेरे नंबर से कौन संजना को कॉल कर सकता है। इस तरफ बेचारे रोनी को एंटोनी के साथ घूमते घूमते इसे प्यास लगती है। वो एक कीचड़ का पानी पीने लगता है और जब भूख लगती है तो किसी दुकान के पास जाकर एक बंदे के सामने बैठकर भोंकने लगता है। वो बंदा रोनी के सामने दो अंडे डाल देता है। रोनी उन अंडों को खाके फिर से एंटोनी की तलाश में लग जाता है। खैर रात होने के बाद एंटोनी उस ब्रिज के पास जाता है जहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ से एक एम्बुलेंस गुजरने लगती है और एंटोनी ये देखता है कि उस एम्बुलेंस के पीछे एक बंदा भाग रहा है। एंटोनी और रोनी ये दोनों भी उस बंदे के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी दूर चेस करने के बाद एंटोनी उस बंदे को मार के नीचे गिरा देता है और जब वो बंदा पलट के एंटोनी की तरफ देखता है तो वो और कोई नहीं दासप्पन होता है। दासप्पन शॉक होके एंटोनी से पूछने लगता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? एंटोनी कहने लगता है, अच्छा आप तुम भी मर चुके हो। तो हुआ ये होता है कि जिस दिन आडप्पन की फैमिली पुलिस स्टेशन से अपनी टीवी ले गई थी उस वक्त दासप्पन और एक पुलिस वाले के बीच बहुत हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान दासप्पन का पैर फिसल के उसका सर एक सेल से टकरा जाता है और तभी उसी वक्त दासप्पन की मौत हो जाती है। खैर एंटोनी की स्टोरी सुनने के बाद दासप्पन एंटोनी से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हारे फादर जख्मी हुए। अब मेरे पास सिर्फ 7 ही दिन है ना और मैं ये चाहता हूँ कि इन 7 दिनों में कोई एक अच्छा काम करूँ, कि संजना को किसने फोन किया उसके बारे में पता करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। खैर उसी तरह से दूसरे दिन दासप्पन वो बस स्टैंड के पास जाकर संजना का और उस बंदे का वेट करते रहता है। थोड़ी देर बाद संजना और एंटोनी वहाँ पर आते हैं और तभी एक बंदा संजना के पास आकर अजीब की बातें करने लगता है। संजना इस बंदे से पूछने लगती है कि तुमको वो फोन कहाँ से मिला, लेकिन वो बंदा फिर से अजीब की बातें करने लगता है जिसकी वजह से संजना उस बंदे को एक झापड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन संजना एंटोनी की स्केच ड्रॉ करके सारे लोगों से एंटोनी के बारे में पूछती रहती है। सारे लोगों का यही कहना होता है कि हमने इस बंदे को नहीं देखा। खैर दूसरे दिन एंटोनी का फ्यूनरल होने की वजह से एंटोनी का दोस्त पॉल सारी तैयारियां कर चुका होता है, सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड बांट चुका होता है। तभी एंटोनी का एक और दोस्त पॉल के पास आकर कहने लगता है, क्या हम संजना को भी इनविटेशन कार्ड दें? तो बहुत सोचने के बाद पॉल मना कर देता है। संजना को पता नहीं चलना चाहिए कि एंटोनी मर चुका है और अफकोर्स वहीं पर एंटोनी की आत्मा भी होती है। उसके बाद एंटोनी के आखिरी दिन होने की वजह से एंटोनी अपने घर जाता है अपने पापा को देखने के लिए। एंटोनी के साथ साथ रोनी भी एंटोनी के घर जाता है। इस तरफ घर में एंटोनी का फादर एंटोनी को याद करते हुए उसके बचपन के फोटोग्राफ्स देखने लगता है। ये देखकर एंटोनी की आत्मा अपने फादर से कहने लगती है
पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। एंटोनी के फादर के पास रोनी होता है और तभी शैलेट वहाँ पर आकर रोनी को बाहर जाने के लिए कहती है। रोनी बाहर आकर एंटोनी के फिनरल का इनविटेशन कार्ड ले जाकर संजना को देता है। उसके बाद रोनी संजना को एंटोनी के घर लाता है। पॉल और उसके फ्रेंड्स संजना को देखकर उसे पहचान लेते हैं और पॉल संजना को एंटोनी के फादर के पास ले जाता है और उससे कहने लगता है कि हमारा एंटोनी इसी लड़की से प्यार करता था। एंटोनी का फादर संजना से कहने लगता है कि तुम सब लोगों ने एंटोनी को बहुत अच्छी तरह से समझा, लेकिन मैं ही मेरे बेटे को समझ नहीं पाया। उसके बाद शैलेट संजना को एंटोनी के रूम में ले जाती है, जहाँ पर संजना एंटोनी के रूम में अपनी पेंटिंग को देखती है। ये देखकर संजना बहुत फूट फूट के रोने लगती है। उसी तरह एंटोनी की आत्मा भी संजना को मिस करते हुए बहुत रोने लगती है। जब एंटोनी अपने घर से बाहर आता है तो इसके घर के पास एंटोनी को चाहने वाले सारे लोग होते हैं और एंटोनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनसे कहने लगता है कि मैं आप लोगों को गुड बाय तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पिक्चर मैं मेरे मन में संभाल लूंगा। ऐसा कहते हुए एंटोनी वहाँ से जाने लगता है और तभी रोनी एंटोनी का रास्ता रोक लेता है और अब जाके एंटोनी रोनी को मिस करने लगता है, उसे छूने लगता है। जीते जी एंटोनी ने रोनी से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मरने के बाद एंटोनी की आखिरी विश रोनी ही पूरी किया। रोनी ने ही उस इनविटेशन कार्ड को ले जाकर संजना को दिया था। उसके बाद एंटोनी रोनी को लेकर उस जगह पर आता है जहाँ पर एंटोनी रूबी को छोड़ा था। रोनी फौरन रूबी को लेकर एंटोनी के घर वापस आ जाता है और इन दोनों को देखकर एंटोनी का फादर भी बहुत खुश होने लगता है। थोड़ी देर बाद रोनी आसमान की तरफ देखकर भौंकने लगता है और आसमान पर रोनी को एक चमकता हुआ सितारा दिखता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने, क्या है हमारी जिंदगी, बस चुटकी में हमारे शरीर से हमारी जान निकल जाती है और किसी को पता नहीं कि वो कब निकलेगी। हर रोज ना जाने कितने लोग अपनी आधी जिंदगी में ही मर जाते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो जीते जी ही कर सकते हैं। मरने के बाद कौन साथ देगा हमारा, स्पेशली वो लोग जो एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, समाज में हेट फैलाते हैं। क्या होगा इससे, जिंदगी पल भर की है, प्यार दो, प्यार लो और खुल के जियो। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।